नसी में आप सबकी सलामती हो मैं तानिया कंवल प्रोग्राम मसीह नुकता नजर के साथ एक बार फिर अजीजों आपकी खिदमत में हाजिर हूँ हम वेलकम करेंगे अपने गेस्ट को पा वेलकम टू तो द तो प्रोग्राम थैंक यू आप सबकी सलामती हो जी पा आप कैसी तबीयत है आपकी मैं बिल्कुल ठीक हूँ आज जिस टॉपिक पे मैं चाह रही हूँ की हम बात करें वो है की चट्टान से पानी मूसा ने मरदे खुदा चट्टान से पानी तो निकाला लेकिन खुदा ने उससे खफा होकर उसको उस वादे की सरजमीन पर ना जाने दिया जहां पर वो तकरीबन खुदा की उम्मत को लेके 40 साल से चल रहा था और मुसलसल चल रहा था और उन सख्तियों को भी बर्दाश्त करता था जो उन लोगों की वजह से उस पर आती थी और खुदा जो है ऑब्वियसली उसने चट्टान से पानी भी खुदा के कहने पे जैसा खुदा ने कहा निकाला लेकिन फिर इतनी सख्त सजा क्यों इतनी खफगी किस बात की ये वाक्य है 1405 सो पांच की बनस मसीह का मूसा इसराइल को लेकर मिस्र के गुलामी के घर से निकलकर वो सराय सीना से होते हुए आगे आ रहे थे रास्ते में उन्होंने खुदा की कुदरत को भी देखा और बहुत सारी मुश्किल भी देखी जब वो दस्त सीन में पहुंचे तो वहां पर उन्होंने कादिश के मुकाम पर डेरे डाले तो वहां पर पानी नहीं था जब कौम को पानी नहीं मिला तो वो बहुत ही ज्यादा सटपटा गए हमें भी ये पानी ना मिला तो लोग टीवी पे देखा होगा अपने बाल्टियां लेकर किस तरीके से गुस्से का इजहार करते हैं तो उन्होंने भी मूसा के साथ गुस्से का इजहार किया अगर आप देखें, तो ये वाक पहली दफा पानी का नहीं आया था इस पूरे सफर में ये दूसरा वाकया था आप जरा पढ़ें खरूज सत्रह चौथी से सात तक। खुदावन के कलाम में यू मरकूम है मूसा ने खुदाबन से फरियाद करके कहा कि मैं इन लोगों से क्या करूं? वो सब तो अभी मुझे संसार करने को तैयार है खुदाबन ने मूसा से कहा कि लोगों के आगे होकर चल और बनी इसराइल के बुजुर्गो में से चंद को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तू दरिया पर मारा था उसे अपने हाथ में लेता जा देख मैं तेरे आगे जाकर वहां हुरब की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू तो उस चट्टान पर मारना तो उसमें से पानी निकलेगा कि ये लोग पिए चाचा मूसा ने बनी इसराइल के बुजुर्गों के सामने यही किया और उसने उस जगह का नाम मसा और मरीबा रखा क्योंकि बनी इसराइल ने वहां झगड़ा किया और ये कहकर खुदावन का इम्तिहान किया कि खुदावन हमारे बीच में है या नहीं देखिये बनी इसराइल को इस बात का तजर्बा था उनको इस बात का पता था, खुदा कुदरत वाला खुदा है वो चट्टानों से भी हमें पानी पिला सकता है लेकिन फिर भी वो सारे, सारे कर मुशा के सारे इकट्ठे होकर के के पास आए और झगड़ने लगे कहने लगे ये तू हमें कहाँ ले आया है ये कोई रहने की जगह है तूने तो कहा था कि मैं तुम्हें ऐसी सरजमीन पर लेके जाऊंगा जहां पर खेती बाड़ी हम करेंगे सब सब्जा होगा नहरें बहेंगी और बागात होंगे जिसमें अंजीर होंगे अंगूर होंगे अनार के दरख्त होंगे और हम खाएंगे लेकिन क्या ये वो ऐसी जगह है यहाँ तो पानी, पानी नहीं है तो अपने उन्होंने देखे पुराने तजर्बे को नहीं उन्होंने देखा कि वो खुदा की कुदरत तो मानते बल्कि उन्होंने अपने दिलों को सख्त किया और मूसा को खूब मूसा को जैसे लिखा है कि मूसा को संसार करने लगे थे यहाँ संसार का तो नहीं यहाँ पर मूसा के ऊपर वो बहुत ही खफा हुए तो मूसा जो था वो खुदावंत के हजूर खै खेमा इज्तम के पास गया वहाँ जाके मुँह के बल गिरा और खुदा से कहा कि ये लोग तो पानी मांग रहे हैं और अरून और तुम दोनों जाकर सबको इकट्ठा करो जब सब इकट्ठे हो जाए तो इनकी आंखों के सामने तो चट्टान से कहना कि ऐ चटान अपना पानी दे दे तो चट्टान पानी दे देगी और ये लोग पी लेंगे मूसा ने जब ये देखा सुना तो मूसा ने जाकर हारून को साथ लेकर सारी जमात को चट्टान सामने इकट्ठा कर लिया जब सारी जमायत इकट्ठी हो गई तो मूसा ने कहा बागियो। खुदा ने उनको उसको नहीं कहा था कि तू कौम को मुखातिब करना लेकिन उसने कौम को मुखातिब किया बागियो, क्या हम तुम्हारे लिए इस चटान से पानी निकाले और ये कहकर उसने उसके ऊपर चट्टान के ऊपर दो दफा लाठी मारी तो पानी निकल आया खुदा खुदा का जलाल ज़ाहिर हुआ और उन्होंने उनके मुआशियों ने पानी पिया लेकिन खुदा को मूसा की ये बात से पसंद नहीं आई क्योंकि मूसा ने यहाँ पर अपना जलाल जाहिर किया अपना जलाल कर दिया हम तुम्हारे लिए हम तुम्हारे लिए चटान से पानी खुदा ने तो सिर्फ कहा था कि चटान से कहना चटान पानी दे देगी लेकिन यहाँ मूसा ने अपना जलाल जाहिर किया और लाठी मारने का तो खुदा ने कहा ही नहीं था लेकिन उसने लाठी भी मारी मारी अच्छा अब क्या हुआ लोग पानी पी के चले गए तो खुदा ने मूसा से कहा कि देख तू मेरी कॉम को उस जगह नहीं लेके जाएगा यानी मुल्क कनान में जहां मैंने जिसके लिए तू उनको लेकर आया था और तू रास्ते में ही तू और दोनों खत्म जाओगे और मैं दूसरा यशवा को इस उस, उस, उस काम के लिए मुकर करूंगा तो, तो ये जो बात थी मूसा ने जो ऐसा किया इसके पीछे दुख था और गुस्सा था अच्छा ये जो आप बात हैं दुख की और गुस्से की मूसा से हलीम दुनिया में कौन होकर के आया है जिसको कहा जाता है वो ऐसा मर्द खुदा था जो हलीमी में उसके जैसा कोई फिर ना आया तो इतना हलीम नबी इतनी आ, इतना खुदा के साथ चलने वाला वफादार और खुदा ने उसको इतना खफा हो गया खुदा तो मूसा को किस बात पे इतना गुस्सा था क्योंकि क्या सिर्फ बनी इसराइल जो थे वो खुदा के मौत देख रहे थे मूसा तो वो था जो उसमें सब कुछ खुदा का करता धरता था जो खुदा कहता था सो मूसा करता था और वो खुदा के जलाल को हमेशा जाहिर करता था मूसा किस बात से इतना डिप्रेस्ड हो गया कि वो उसने इतनी बड़ी गलती कर ली असल तो बेतहा मुआवजे हुए सारे सफर पर कोई एक पहला मुआवजा नहीं इस वक्त इतना गुस्सा क्यों? गुस्से की बात तो बाद में करेंगे पहले हम करते मूसा को दुख बहुत था क्योंकि जैसे ही आए तो मूसा की अकलौती बहन जो थी मरियम वो फौत हो गई मरियम का फौत होना जो था ये मूसा के लिए बड़े दुख का दुख का बायस था मरियम जो जो मरियम थी ये नबिया थी अगर आप एक हवाला पढ़े तो ये है खरूज पंद्रह बाप की बीस से इक्कीस में आयत खरूज पंद्रह बाप उसकी बीसवीं और इक्कीसवीं आयत में ये मरकूम है तब हारून की बहन मरियम नबिया ने दफ हाथ में लिया और सब औरतें दफलिए नाचती हुई उसके पीछे चली और मरियम उनके गाने के जवाब में ये गाती थी खुदावन की حمد सना गाओ क्योंकि वो जलाल के साथ फतामंद हुआ है उसने घोड़े को उसके सवार समेत समुंदर में डाल दिया है आमीन तो ये जो मरियम मूसा की बहन थी नबिया थी और ये खुदावंत की नजीर भी थी तो दोनों बातें थी और फिर जब ये इनकी इबादत की पार्टनर भी थी जब इबाद इबादत करते थे गीत गाते थे तो मरियम दफ लेकर आगे आगे गाती थी और पीछे सारी कौम गाती थी तो जब मरियम फोत हो गई तो मूसा को इसका बड़ा दुख हुआ और वो कादिश के दह दस्त देश, देश, में ही दफन हो गई दफन किया गया उसको तो ये ए, ये एक बिल्कुल करीब करीब का वाक्य था यानी आप समझ लो कि हफ्ता पहले पहले या पाँच दिन पहले का ये वाक्य था अच्छा ये तो नेचुरल है ना पास्टर जी देखें अगर मर जाता है कोई तो नेचुरली दुख तो होता है और मूसा ने तो पता नहीं कितने ही सफर में आते हुए दबाए और तो न, इसका अब या सिर्फ अपनी बहन से ही मोहब्बत ऐसी थी कि उन्हीं का गम हुआ या फिर यूं कहें कि गम भी हमें एक लिमिटेड क्वांटिटी में करना है कि कहीं गम इतना ना बढ़ जाए कि हम खुदा के हजूर कर बैठे ऐसी ही बात थी मूसा को ज्यादा ही गम था और क्योंकि वाक अभी हाल ही में हुआ था अभी मूसा संभलने भी ना पाया था कि वो वो लोग जो थे वो मसला लेकर आ गए कि तू हमें यहाँ कहाँ पर ला कर हमें फंसा दिया है और फिर वो लोगों ने और नई बात कर दी जो ये जो मरे थे इसके भाई सारे जो आग से भस्म हो गए थे उसकी वजह ये थी कि उन्होंने मूसा के खिलाफ बगावत की थी अदम एतमाद किया था उन्होंने कहा कि तू मूसा खुद को क्या समझता है तू हमारा लीडर कैसे बन गया तस, हर एक आदमी है और खुदा हमारे दरमियान रहता है तो ये मूसा की जो हाकमियत थी मूसा के जो अख्तियार था उसको उन्होंने चैलेंज किया जब उसको चैलेंज किया तो मूसा को इसका बहुत दुख हुआ मूसा जाकर खेमा इज्तम के आगे कूदे मुँह गिर गया और खुदावंत का जलाल उस पर तो खुदावंत ने कहा कि तुम इनको यहाँ पर इकट्ठा कर तो ये थे आ, 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 कोरा था दातन था और आ, अभी अबीर अभीराम अभी, अभी था ये अभीराम और दातन जो थे ये उसके लावी के कबीले से थे अच्छा। और २५० ऐसे आदमी थे जो सारे कबीलों में से चुने हुए से। तो ये इन सब ने उन के बगावत की थी तो मूसा इस बगावत से बहुत घबरा गया था तो जब मूसा ने खुदा के आगे मसला रखा तो खुदा ने कहा कि तू ऐसा कर कि इन सबको बोल ये 250 जो आदमी है ये अपने वो बखूरदान में कल आ जाए इसमें कोयले डालें और ऊपर वो बखूर डालें जिसको खुदा बखूर कबूल करेगा वही खुदा का चुनीदा बंदा है और वही खुदा के करीब जाएगा वही खुदा के लिए मुकदस है तो ये जब तय हो गया तो दो सौ पचास आदमी दि, दूसरे दिन आगे कोरा ने सारी बनी इसराइल को भी इकट्ठा कर लिया तो खुदावंत का जो जलाल था वो जाहिर हुआ और खुदावंत ने चाह कि वो एक ही वक्त में पूरी कौम को खत्म कर दे लेकिन मूसा ने खुदा उनसे कहा उन्दे मुंह गिर के कहा आए खुदा सब बशर की रूहें खुदा क्या एक ही आदमी के गुनाह के सबब से तेरा कहर सारी जमात पर होगा यानी तू एक आदमी के कोरा के कहने पर तू सारी जमात को मार देगा तो खुदा ने कहा नहीं ऐसा नहीं करूंगा फिर खुदा ने कहा कि जाओ वो दातन को अबीराम को और दूसरे लोगों को भी बुला रहे तो उन्होंने कहा कि जब उनको पैगाम मिला तो उन्होंने कहा कि हम क्यों आए मूसा हमारे पे क्या लगा हुआ क्या मुसा है क्या मूसा हमारा सरदार है मूसा हमारा हाकम है हम तो नहीं जाते तो जब ये पैगाम गया तो खुदा ने मूसा से कहा कि तुम इनके खेमों के पास से अपने लोगों को हटा लो और जब वो लोग हट गए तो मूसा ने खुदाओं से एक दुआ की उसने कहा कि खुदाओं तुम इनको ऐसा ना मार कि ये समझे कि हम बीमारी से मर गए हैं हम आग से जल, जल गए अथफाकिया मौत हो गई मौत हो है बल्कि ऐसे तरीके से मार के इनको सबको पता लगे कि खुदावंद ने इनको सजा इनकी आदमी अतम की सजा दी है तो फिर ऐसा हुआ कि अच्छा एकदम से जमीन फट गई कोरा कोरे के खानदान के लोग और वो जो दातन था और जो अभी राम था इनके घर जो थे जमीन में धस गए इनके जानवर इनके घर इनकी हर एक चीज जमीन में धस गई और ऊपर से जमीन बराबर हो गई और जो 250 आदमी थे जो बखूर लेकर खड़े थे वो उनके ऊपर आग नाजल हुई और वो भसम हो गए तो खुदावन ने ये एक बहुत बड़ी बगावत को यहाँ पर खत्म किया और और आगे अब, अब ये फिर यही वो बात कर रहे कि हम भी उसी वक्त मर जाते खौफे खुदा नहीं है इनको तो ये अपने दिलों को सख्त कर लेते थे सख्त रखते थे इसीलिए तो मूसा के ऊपर पथराव करने के लिए भी तैयार हो जाते थे जी बात साहब बहुत खूबसूरत बात आपने बयान की कि किस तरह से वो बार बार और ये मेरा ख्याल है ये जो बात है ना पानी वाली और फिर बगावत वाली ऐसा एक बार नहीं हुआ जो बनी स्टाइल चले हैं बुतों को भी लेके चले है अपने हमरा फिर इन्होंने कभी गोश्त की जिद की है तो कभी पानी की की है तो कभी इन्होंने चीजों के लिए डिमांड की है हमेशा ही इन्होंने मन को भी इन्होंने जो दिल और मुंह में आया वो बोला है और हमेशा ये बुड़ तो इन्होंने खुदावन की हमेशा की ही इतनी सारी गलतियां ये करते रहे इनको तो खुदा ने सजा नहीं दी लेकिन मूसा ने जब एक भी गलती की तो उसको उसके साथ खुदा खफा भी हुआ और खुदा ने उसको सजा नामा भी दे दिया तो अगर सजा ही देनी थी तो खुदा वहां से पानी ना निकालता ताकि मूसा को भी रिपेंट करने का मौका मिलता या तो फिर हम यूं कहें कि इस सारे वाक्य में खुदा तो कदुस ठहरा अगर उसने मूसा को कहा था येट मूसा ने मिस्टेक की लाठी बीमारी और खुदा की उम्मत को बागी कह के भी पुकारा बागी तो वो थे लेकिन मूसा को इख्तियार नहीं था कि वो उनको बागी कह सके तो वहां पर खुदा अगर पानी ना निकालता तो मूसा क्या कर लेता शायद उसके पास भी माफी तलाफी की जगह होती या फिर खुदा अपने वर्ड्स में खुदा ने दिखाई के अगर कहा है तो फिर खुदा ने वैसा किया खुदा कदूस ठहरा अपने वादे में आप क्या कहेंगे इसके बारे में देखे खुदा जो था ये बनी इसराइल को गुलामी के घर से निकाल के लाया था और इनको एक एक बात का पता था ना इनके कपड़े फटते थे ना इनके जूते घिसते थे और ना ही इनको कोई और बीमारी आती थी बीमारी जब आती थी जब कभी ये गुनाह करते थे खुदा की नाफरमानी करते थे तो लेकिन खुदा हर बात में इनके साथ मौजूद रहा दिन के वक्त बादल की शक्ल में और रात के वक्त आग के श, आग के सतून में तो खुदा की मौजूदगी इनके ऊपर रहती थी और ये फिर भी इनके दिल सख्त थे ये क्योंकि मिस्रियों में से आए थे और मिस्री भी बहुत सख्त दिल के लोग थे तो ये भी बहुत सख्त दिल के लोग हो गए थे। इन इन्होंने जरा सा इनके पास ये हुआ पानी नहीं मिला तो इन्होंने ऐसा किया मूसा को मारने पड़ते थे पहले भी जब मसा के मकाम पे हुआ तब भी उस वक्त भी यही हुआ जब यहाँ पर मरीबा के मकाम पे हुआ तो भी उन्होंने ऐसे ही रवैया रखा तो ये रवैया ऐसे ही रखते थे खुदा की कुदरत को जानते नहीं थे हम कहते ना खुदा की कुदरत को तजर्बे तो से साबित करो तो, कर तो है वो है। तो सामने देख कर वो उसे, उसे सीखते नहीं थे लेकिन खुदा का दूस है खुदा ने अगर पानी ना देता तो वो सारे ही मर जाते आपको पता है कि दस्ते सीन में पानी तो बिल्कुल नहीं था और पानी अगर उनको ना मिलता तो फिर पानी के बगैर आदमी हफ्ता जिंदा रहता है ज्यादा से ज्यादा तीन दिन जिंदा रहता है जानवर भी मर जाते वो भी मर जाते कौम खत्म हो जाती है लेकिन खुदा ने अपने वादे में कदूस रहा उसने उनको पानी दिया और वो पानी उन्होंने खुद भी पिया और अपने जानवरों को भी पिलाया और खूब शेरों के पिया अच्छा ये जो पानी देने वाली चट्टान है अब चट्टान से कहना पानी दे तो इसका मतलब चट्टान सुन सकती है तो ये चट्टान क्या है दर हकीकत ये चटान चटान ही है या चट्टान के भी पीछे कोई ऐसी बात हिडन है छुपी हुई है जो हमें जानना जरूर है क्योंकि ये चटान कहीं रुक नहीं जाती थी ये इनके साथ साथ चलती थी जैसे अभी आपने कहा कि खुदा दिन में बादल होकर और रात में आग में सतून होकर इनके साथ चलता था ताकि इनको रोशनी दिखाए राह देखेंगे दिन में इनको सूरज ना तपिश दे इतनी मोहब्बत इतना प्यार लेकिन ये उसको अबर ही समझते होंगे कि अबर चल रहा है बादल हुए हुए हैं बाय डिफॉल्ट ही हमारे ऊपर तो ये जो चट्टान है है चट्टाने तो तो नहीं चला करती वो तो स्टिल होती हैं फिजिकल फीचर है और कुदरत ने उनको जहाँ खड़ा किया है वो वहीं रहते हैं तो ये कैसी चट्टान है जो चलती चली आ रही है बनी स्टाइलियों के साथ अपने मसा के मुकाम पे जो हवाला पड़ा उसमें क्या था उसमें खुदा ने कहा था कि तू चंद आदमी लिए और अपनी लाठी हाथ में पकड़ और तू आगे आगे चल मैं खुद चट्टान के ऊपर खड़ा, खड़ा हुआ, हुआ। तो चट्टान से पानी निकलेगा जब तू लाठी मारेगा तो पानी निकलेगा तो पानी जो है ये तो वहां भी चट्टान से निकला था फिर वही चट्टान जब ए, ये दस्तसीन में आए तो वहां पर भी मसीह था।, था तो जो चट्टान का जो है खुदा तो देखिए ना कुदरत वाला खुदा है खुदा जो चाहता है वो वो कर सकता है खुदा दे पहले दफा कहा कि मैं चट्टान पे खड़ा हूँ तू लाठी मारना और यहाँ पर कहा कि तू तो चट्टान से अपना पानी मांग लेना रूहानी तो, पानी पीते तो रूहानी पानी पीते थे और वो चट्टान मसीह था मसीह जो है वो हमें सारी चीजें प्रोवाइड करता है पानी भी प्रोवाइड करता है खाना भी प्रोवाइड करता है हर चीज में वो हमारा ख्याल रखता है आपने जब लास्ट टाइम हमने एक प्रोग्राम किया था तो उसमें था कि वो जब जियाफ़त करेगा तो हमें अच्छी चीज़ों से शेयर करेगा तो वो हमें अच्छी चीज़ों से शेयर भी करता है पानी भी पिलाता है और वैसे भी ये सुमसी ने ईद आम के मौके पे कहा था जिंदगी का पानी मैं हूँ तो जिंदगी का पानी तो मसीह है तो वो चट्टान जो उनके साथ साथ चलती थी वो मसीह था और वही उनको पानी भी पिलाता था अच्छा यहाँ पे रूहानी पानी का जिक्र होता है पानी तो पानी होता है और पानी पी के वो जो चाहते थे वो करते थे बार बार कम इतनी में भी उनका कोई जवाब ना था क्योंकि आज भी यही हालात है इंसान जब तक सब कुछ सही होता रहता है तो वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक है ऑल इज गुड जहां से थोड़ी सी खराबी होती है तो फौरन खुदा को जिम्मेदार लगाते हैं रवैये तो वही है और ये तो लिखा हुआ है कि मसीह उनके साथ चलता था और मसीह मसीह ही वो चट्टान था और वो रूहानी पानी पीते थे तो रूहानी पानी और आम पानी में क्या फर्क है देखिए यहाँ पर जो रूहानी पानी का जिक्र है इसको आप यूं समझे कि खुदा तो उनके हमेशा साथ होता था खेमा इज्तम के ऊपर हमेशा बादल की शक्ल में या आग के स्तूप की शक्ल में मौजूद होता था तो जब कभी मुश्किल होती थी तो खुदा उनकी मुश्किल भी हल करता था लेकिन उन्होंने एक ही बादल के नीचे रहे एक ही बैरकुलजम को उन्होंने क्रॉस किया उसी में से सारे गुजरे तो ये सब कुछ होने के बावजूद भी उनके दिल बहुत सख्त थे रूहानी पानी पीने से जब तक कोई आदमी अपने दिलों को तब्दील ना करे उस वक्त तक उसमें तब्दीली नहीं आ सकती तब्दीली के लिए जरूरी है कि उनके दिल तब्दील हो में लिखा हुआ है कि सिर्फ किसी बात को कबूल नहीं करना दिल से सच्चाई के साथ कबूल करना है तो वो दिल कबूल तो करते थे जब कोई वाक होता था तो कबूल तो करते थे लेकिन दिल की सच्चाई से नहीं करते दिल की सच्चाई से नहीं करते थे तो इसलिए वो पानी रूहानी पानी भी वो आम पानी समझ के पी जाते थे <laughs> और आम आम मौत ही मरते थे क्योंकि जब खुदा पर तबकल ही नहीं था कम ए का ये आलम था कि हर सेकेंड इवेंट पे वो भूल जाते थे तो फिर तो यही हुआ कि उन्होंने रूहानी पानी को भी जाया किया अच्छा ये सारी बातें जो हुई हैं ये मूसा के दौर में हुई हैं मूसा के साथ और खुदा की कौम के साथ हुई हैं आज हम इससे क्या सबक हासिल करते हैं जैसे गम और गुस्से की हालत में और हम भी तो वही करते हैं बुढ़ उठते हैं जब कुछ नहीं होता तो हम कहते हैं कि खुदा ने हमें मुहैया नहीं किया हमने इतनी दुआएं की मौत पर भी लोग वावेला करते हैं और दुख परेशानी में भी लोग दूसरी डायरेक्शन में मुंह ठा जाते हैं दूसरी कौमों के पास चले जाते हैं अगर बीमारी आ गई है तो अकीदा ही बदल लेते हैं तो क्या आज भी खुदा की नफी नहीं हो रही और इस सबक से हम क्या सीखते हैं पहले तो आप ये बताएं। सबसे पहली तो बात है कि ये जो हमने सबक इसको चुनाव किया इसका फायदा क्या है लिखा हुआ, लिखा हुआ है के लास्ट दो वर्ष में लिखा हुआ है कि तू अपने बच्चों को अपनी आइंदा गवाही दे कि उन्होंने खुदा के अहकाम को दिल से मानना है दिल से मानने का मतलब यह है कि हम कलाम तो खुदा का पढ़ते हैं और चर्च में भी जाते हैं दुआ भी करते हैं लेकिन जब तक हमारा रवैया नहीं बदलेगा हम तब्दीली नहीं कर सकते तो यहां पर खुदा हमें तब्दीली सिखाता है कि अपने रवैयों में तब्दीली पैदा करो जैसे बिल्कुल सिंपल सी बात लिखी हुई है कि मूसा के जमाने में लिखा है कि जब तू अपनी बीवी से ना को बीवी को तलाक छोड़ना चाहे तो उसको लिख के तलाक दे दे लेकिन खुदाउस मूसी ने कहा कि जिनको खुदा ने जोड़ा है उनको कोई इंसान जुदा ना करे लेकिन क्या होता है कोई मियाँ बीवी झगड़ा हो जाए दो खानदानों में झगड़ा हो जाए तो वो क्लिसिया के बुजुर्गों के पास जाते हैं बुजुर्गों के पास तो नहीं कलिसिया के बड़े लोगों के पास जाते हैं जिनको खुद भी कुछ नहीं पता होता तो उनके पास जाते हैं तो वो वहाँ पर एक बैठक में उनको सबको बैठा लेते हैं और हिसाब क्या कर रहे होते हैं कि इनका शादी ब्याह पे इतना खर्च हुआ इन्होंने इतना जहेज दिया तुम ये चीजें अंगूठिया इनकी वापस कर दो ये इनका सामान वापस कर दो और उनको एक तलाकनामा लिखवा देते हैं और जब तलाकनामा लिखवाते हैं तो वो खुदा की नफी बिल्कुल उसी तरह करते हैं जिस तरह बनी इसराइल ने की थी खुदा ने तो कहा है ने क्या कहा कि जिनको खुदा ने जोड़ा है उनको को कोई जुदा ना, ना, ना करे और फिर बड़े जबरदस्त सारे मिलकर जुदा कर सारे मिलकर और उनको गुनाह की जिंदगी में धकेल देते हैं अच्छा ये गुनाह की जिंदगी में कैसे धकेले गए क्यूँकी बात तो यही है ना कि वो तो सारा हो चुका है आज हम जो कर रहे हैं वाकई ये बात जो है आपने जो एग्जाम्पल में ली है तलाक की होता तो यही है कि आए दिन हम सुन रहे होते हैं कि मसीहों में भी तलाक होगी जबकि इसका कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं देखिए वो कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है वो अपनी तरफ से एक बैठ के तलाकनामा तैयार कर लेते है पेपर के ऊपर और फिर उनको शादी की परमिशन ग्रांट कर देते हैं लिखा है कि ना तो कोई छोड़ी हुई से शादी करे अगर करेगा तो वो जना करता है और ना ही कोई जिसने अपनी बीवी को छोड़ा वो वो किसी और से शादी करे मौत के। क्योंकि मौत तो सारे बंधन तोड़ देती है तो ये कि फिर वो उनको गुनाह की गुनाह करने के लिए छोड़ देते कि जाओ जाके दूसरी शादी कर लो तो ये तो कलीसिया का रवैया जो है या कलीसिया के उन लोगों का रवैया है जो बैठ के तलाके करते हैं या कोर्ट से तलाक लेते हैं अब तो, तो कोर्ट तो से भी जो है एक बिल्कुल रिसेंटली एक इवेंट हुआ तो उन्होंने आके बताया कि कोर्ट में जज साहब ने कहा कि आप लोग यहां से चले जाए क्योंकि क्रिश्चियंस की जो है वो डाइवोर्स होती ही नहीं है और ये जज साहब का फैसला बिल्कुल रिसेंट एक इवेंट हुआ है उसमें उन्होंने कहा कि हम कोर्ट के थ्रू जो है डाइवोर्स लेंगे तो जब वो कोर्ट में गए तो वहां से इतनी शर्मिंदगी से लौटे कि उनको पता है कि बाइबल में क्या लिखा है जबकि खुदा जो है वो बाइबल मुकदस हमें बताती है कि हमें कौमो का इंसाफ करना और यहाँ कौमे हमारा जो है वो दुनियावी इंसाफ कर रही है तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप देखे आपने बिल्कुल सही कहा कि तलाक क्रिश्चियस में नहीं होती और ना ही दोबारा दूसरी छोड़ी हुई की और ना ही जिसने छोड़ा उसकी शादी होती है तो लेकिन कलिसिया उनको कबूल भी कर लेती है तो अच्छा कबूल नहीं करना अगर कर लिया है गलत फैसला किसी एक आने, तो कबूल ना किया जाए नहीं अगर वो अपने लॉ को तोड़ते हैं दूसरी शादी करते हैं तो उनको कबूल नहीं करना चाहिए कलाम पाक यही कहता है और हमें खुदा के ये चाहिए। चाहिए। नहीं।, नहीं कहना चाहिए की भाई भे 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 खुदा के जलाल को जाहिर करने के बजाय मूसा की तरह अपना जलाल जाहिर करो की हम तुम्हारे लिए पानी निकालते हैं तो मूसा ने भी यही गलती की थी हम भी यही गलतियाँ करते हैं बाइबल कहती है हमारे लिए हुक्म देती है कि हम अपने बच्चों को ये बातें सिखाएं कि हमें कौन से काम करने हैं कौन से नहीं करने हमें बाइबल क्या सिखाती है कि अपने बच्चों से अगर कोई खुदा के मुकाबले में ज्यादा प्यार करता है तो वो खुदा के लायक नहीं।, नहीं और अगर बच्चे जो हैं वो माँ बाप माँबाप को आ, खुदा से ज्यादा प्यार करते हैं तो वो खुदा के लायक नहीं।, नहीं तो अगर ये जब हवाला वा, वा, में ये पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपस में उलझन हो जाएगी माँ बच, मा, बाप बच्चों के खिलाफ बच्चे माँ बाप के खिलाफ लेकिन ऐसा नहीं है अगर हम उनको सही तालीम देते हैं तो उससे क्या होगा उससे बच्चों को भी पता होगा कि हमें अपने माँ बाप से नजायज तमन्न ख्वाहिशात नहीं करनी और माँ बाप को भी पता होगा कि हमें अपने बच्चों को से रहे मुस्तकीम पे ले जाने के लिए उनको ए उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं डालना कि वो जाकर कहीं रिश्वत ले बुराई से पैसा कमा के लाए तो फिर एक हारमोनी पैदा हो जाएगी कि माँ बाप भी सपोर्ट करेंगे कि बुराई से बच्चे बचें और बच्चे भी सपोर्ट करेंगे कि बच्चे माँ बाप जो है वो बुराई से बचे रहें तो हम बुराई से हम बचना नहीं चाहते हम दुनियावर दुनिया के खेल में इस कदर इन्वॉल्व हैं कि जो काम हमें खुदा जस ने मना किए हैं हम उन कामों को करने के लिए अपने जो असली काम है जो अबी काम है उनको छोड़ देते हैं और ये बताया है कि अगर तुम आज के दिन उसका कलाम सुनते हो तो अपने दिलों को सख्त ना करो बल्कि कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो और खुदा के फैसलों को बिल्कुल उस तरह कबूल करो जिस तरीके से वो लिखे हुए हैं जिस तरीके से हमें बताया है आमीन बहुत बहुत शुक्रिया पास साहब आपकी सारी इन बातों को और अच्छी नसीहतों का अजीजों खुदा क्या चाहता है खुदा ने हमें अपनी नेमतों से घेर रखा है इसलिए जरूर है कि हम आज के दिन अपने दिल को नरम करें और अपनी औलाद को अपने बुजुर्गों को और बिलखसूस खुद अपने आप को अपनी ज़ात को उस सांचे में ढालें जिसमें खुदावन चाहता है कि हम ढले और उसको नजर आए सब अपना ख्याल रखिएगा प्रोग्राम देखते रहिये मसी नजर